अरे मेरा खड़ा हो गया सर, तीघा नहीं है करा पानी करा पानी बचा रोल मेरे भाई हम वगैरह मुंबई पानी नहीं था करना लोग सब मैं अपने खापेंगे देखो ये गेम क्या तुम स्विगी वाले बन के आए हो तो आ नहीं है पूनम करो को सभी को पहले वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे दे की आपके मार्फत शुभेच्छा देना चाहता हूँ। मुंबई महानगर पालिका और कई एनजीओ जैसे नियम है जोशी मैडम है इनके सरकार से मदद से मुंबई महानगर पालिका पूरे मुंबई में ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम ले रही है। अलग अलग वार्ड में अलग अलग एनजीओ के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। आज करीबन पूरे मुंबई में 24 वार्ड में हम लोग 500 ट्री लगाने वाले और के वेस्ट वार्ड में हम मियाम ये जोशी मैडम की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू हम लोखंडवाला गार्डन में हम प्लांटेशन किया। आज हमने मुंबई में जो ट्री लुप्त हो गए रेयर है उसमें से एक दरख्त चंदन का पेड़ यहाँ पे लगाया जिसका आयुर्वेदिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हम लोग निसर्ग बचाने के लिए मुंबई महापालिका को मियाम जैसी संस्था बार बार सहकार्य करती है इसलिए मैं उनका आभारी हूँ। धन्यवाद। जी आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और आप आज बीएमसी के साथ आपने यहाँ पे पेड़ लगाया बहुत अलग किस्म का पेड़ था यूनिक पेड़ था और आप जहाँ खड़ी हैं चारों तरफ एक से एक बढ़कर पुराने पेड़ हैं तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे कैसा लग रहा है? मुझे यहाँ गार्डन में आके बहुत अच्छा लग रहा है एंड मैं थैंक यू टू बीएमसी बोलना चाहती हूँ। आप ये देखें कैसा पूरा जंगल अंधेरी वेस्ट में पूरा जंगल का फील आ रहा है। आप देखेंगे तो पशु पंछी दिखेंगे गिलहरियाँ दिखेगी तो एटलीस्ट उनको भी फ़ायदा हो रहा है। दिन में इसी पार्क में इंसान वॉक करके फ्रेश ऑक्सीजन लेता है और दोपहर में पंछी इंजॉय कर ले रहे हैं तो इतना अच्छा 2-in-1 रिजल्ट मिल रहा है। और मतलब बिल्कुल कौन कहेगा कि आपको जंगल क्यों बाहर देखने जाना है, आप अपने घरों के आसपास ये गार्डनों को सपोर्ट करिए और बीएमसी को भी सपोर्ट करिए तो ऐसा जंगल हमको अपने ही शहरों में अपने ही बीच में मिलेगा। एटलीस्ट हम यहाँ आके दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रेस बस्टर है। आप यहाँ आइए बैठिए बस 10 मिनट बैठिए ऑक्सीजन भी मिल रही है स्ट्रेस भी दूर हो रहा है एंड यू आर रेडी टू डू द मीटिंग्स विद एनीवन। मैम देखिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं ऊपर पक्षियों की आवाज़ आ रही है बहुत सारी उनकी आवाज़ सुन के भी लग रहा है कि बैकग्राउंड में मेडिटेशन हो रहा है। बिल्कुल ये देखिए तो कितने घने पेड़ हैं मतलब बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा है। मतलब आज अभी हम 40-45 डिग्रीज में हैं और यहाँ पे लग ही नहीं रहा है कि ये गर्मी है तो इससे बेस्ट क्या है। मैं थैंक यू बीएमसी का बोलना चाहूँगी जो इतना इनिशिएटिव लेके बॉम्बे को इतना ग्रीन बनाने की कोशिश में काम कर रही है और सरकार अपना काम कर रही है। ज़रूरी कि हम भी सपोर्ट करें क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए हो रहा है जो भी नियम है या जो भी किया जा रहा है हमारी सेफ्टी और हेल्थ के लिए किया जा रहा है। नियम चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में कुछ बताएं, बहुत सारा काम कर रही है एनिमल्स के लिए काम कर रही है आर्मी के लिए काम कर रही है। अभी आपने शायद नासिक में बच्चों की फ्री एजुकेशन की बुक की है और अभी वहाँ पर आर्मी स्कूल भी आपने ओपन किया है तो इस सब चीज़ों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मियाम एनजीओ एनिमल एंड ह्यूमन दोनों की तरफ काम कर रही है बिकॉज आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी एंड सोल। भूख सबको लगती है दर्द सबको होता है ये मियाम की एक फिलॉसफी है जिसके तहत वो सब तरफ काम कर रही है वो इंसान हो या जानवर हो। और अभी हम गांवों में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सपोर्ट कर रहे सिस्टम कर रहे हैं हमारी लाइब्रेरियों में बुक्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से एक आर्मी और CRPF एंड हेल्थ सेक्टर में लोग गए हैं और वहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम्स है। 300-300 रुपए की बुक्स को पढ़ने के लिए बच्चों के पास पैसे नहीं है सो हमने एक इनिशिएटिव लिया है वहाँ लाइब्रेरी खोलकर और बस चाहते हैं कि गांव के बच्चे भी जॉब की तरफ आए क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया और हर इंसान को के पास अगर जॉब रहेगी सो हमारे देश की इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू। एक खाली आप वॉक करके उधर चलिए ना।
नीचे देखिएगा। कैमरा क्रॉस हो जाइए। कौन सा डिब्बा? ओके, थैंक यू मैम।